वर्षम लेखु शेषम यानी ईयर्स लेटर, और हिंदी में इसका मतलब है कई सालों बाद। उम्मीद है मैंने ये जो मलयालम फिल्म का ये जो नाम लिया है सही लिया होगा। इस फिल्म को देखा है सबटाइटल के साथ, तो चलिए इसका रिव्यू शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनीत श्रीनिवासन जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, बहुत बेहतरीन फिल्म इन्होंने लिखी है। दो दोस्तों की कहानी जो सिनेमा को बदलने निकले हैं, लेकिन उस सिनेमा के बीच में दो दोस्तों की कहानी कितनी खूबसूरती से परोसी गई है इस फिल्म में वाकई देखने लायक है। दो बड़े किरदार प्रणब मोहनलाल और साथ ही साथ ध्यान श्रीनिवासन जो कि विनीत श्रीनिवासन के ही भाई हैं। तो फिल्म के अंदर फिल्म बन रही है और फिल्म की कहानी शुरू होती है प्रेजेंट से, जब वेणु यानी कि ध्यान श्रीनिवासन मुरली को यानी कि प्रणब मोहनलाल को ढूंढने निकलते हैं। क्यों वो ढूंढने निकले हैं और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। दो दोस्तों की कहानी जो अपना सपना लिए निकले थे और एक जो है वो लेखक है और दूसरा है दिलों तक पहुंचता है यानी कि म्यूजिक कंपोजर है। और ये जो दो दोस्त हैं कसम खाते हैं अच्छी फिल्म बनाने की, लेकिन क्या वो अच्छी फिल्म बनती है, क्या वो फिल्म वाकई बन पाती है और उस फिल्म का उस दोस्ती पर क्या असर होता है। वेणु यानी कि ध्यान श्रीनिवासन क्यों ढूंढने निकले हैं मुरली को। फिल्म बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। 70-80 के दशक का जो साउथ सिनेमा है उसको उतारा गया है, पीरियड ड्रामा ये फिल्म है। विनीत श्रीनिवासन का डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है इसमें, और मैं आपको बता दूं ये फिल्म केवल केवल 8 करोड़ रुपए में बनी है और फिल्म ने 60 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमा लिया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म में जो स्टार्स हैं उन्होंने जो एक्टिंग की है, इस फिल्म में जो म्यूजिक है वो सभी कमाल का है। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे, अगर आप हिंदी भाषी हैं और अभी तक की जो फिल्में रिलीज हुई हैं चाहे वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो या फिर विद्या बालन की दो और दो प्यार हो और मैदान फिल्म अजय देवगन की, ये फिल्में कुछ कमाल नहीं कर पाई। बॉक्स ऑफिस पर एक तरीके से सूखा देखने को मिल रहा है, तो ये फिल्में कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। अगर आप कुछ अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं तो आप सबटाइटल के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं है, आपको देखने जाना पड़ेगा। 11 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज हुई है और तब से लगातार ये हाउसफुल चल रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म को कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है। अगर मेरी तरह आपको मलयालम भाषा नहीं आती है तो आप इसे सबटाइटल के साथ भी देख सकते हैं। म्यूजिक इस पे अमृत रामनाथ का है और इसे प्रोड्यूस किया है विशाख सुब्रमण्यम ने। और वहीं देखा जाए इस फिल्म का चाहे म्यूजिक हो, चाहे स्क्रीन प्ले हो, चाहे एक्टिंग हो, सभी कुछ एक तरह से का अगर मैं इसे मास्टरपीस कहूं तो शायद कम नहीं होगा। और वहीं इसमें जो दूसरे किरदार हैं वो भी ज़बरदस्त हैं। प्रणब मोहनलाल और ध्यान श्रीनिवासन के अलावा जिन किरदारों को आप देखते हैं वो फिल्म में आपको बांधे रखते हैं। कई किरदार हैं, चाहे वो एनी का किरदार हो, कल्याणी प्रियदर्शन ने जिसे निभाया है, उसी के साथ ही साथ नितिन का जो किरदार है जो जिसे निविन पॉली ने निभाया है, अजू वर्गेश, इसके अलावा बेजिल जोसेफ, नीरज माधव, शान रहमान, विनीत श्रीनिवासन, जी हाँ, जो कि टैक्सी ड्राइवर का जिन्होंने छोटा सा किरदार यहाँ पर निभाया है, खुद विनीत श्रीनिवासन भी इस फिल्म में आपको नजर आएंगे। तो प्रेजेंट से ये कहानी शुरू होती है, पास्ट में आपको ले जाती है किस तरीके से दो दोस्त सिनेमा को बदलना चाहते हैं, स्ट्रगल की कहानी उनकी, क्या वो शानदार फिल्म बना पाते हैं, क्या उनकी दोस्ती बरकरार रहती है, क्या वो जो फिल्म बनाना चाहते हैं वाकई बन पाती है, क्या वो एक बड़े फिल्म मेकर, एक बड़े म्यूजिक कंपोजर बन पाते हैं। इसी फिल्म का जवाब जो है इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर फिल्म बन रही है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। वर्षांग लेकु शेषम, ईयर्स लेटर, कई सालों बाद। तो आखिर कई सालों बाद क्या होता है, क्या दो दोस्त मिल पाते हैं, क्या दोस्ती बरकरार रहती है, और क्या जो सिनेमा वो बनाना चाहते थे, जो फिल्म वो बनाना चाहते थे वो वाकई बन पाती है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही अच्छी लगी है। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा, और अगर देख ली है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में करिएगा। मैंने कहानी को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है और ना ही मैंने कोई स्पॉयलर दिया है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने से कुछ स्पॉयलर एक तरह से जो स्टोरी है वो स्पॉइल हो जाती है, तो वो मैं यहाँ पर नहीं चाहती हूँ। लेकिन डायरेक्शन से लेकर, एक्टिंग से लेकर, म्यूजिक से लेकर, हर एक चीज़ इस फिल्म में कमाल की है। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी है, और अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वर्षांग लेखु शेषम ज़रूर ज़रूर देखें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से होगी आपसे मुलाकात, लेकिन जाने से पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें।